सनकादिक जैसे महात्मा बस सृष्टि में प्रकट हुए और प्रकट होते ही वैराग्य हो गया। प्रभु बहुत कठिन लगता है लेकिन उपाय बताइए। वैष्णवों ने कैसे क्षण मात्र में अपनी माया को तिरस्कृत कर दिया। हम सबके परम आराध्य हमारी इस परंपरा के अग्रगण्य जिन्होंने हमारी इस वैष्णवी रामानुज परंपरा को हम लोगों के जीवन के लिए प्रदान कर दिया, वो भगवत अवतार शेषावतार यतिराज स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन की गति कभी आप पढ़िए। उनकी जीवनी बाजार में उपलब्ध है, प्रपन्नामृत के नाम से वो पुस्तक मिलती है, पढ़िए उसे। बहुत अद्भुत गति, कैसे विवाह होने के बाद भी परिस्थितियां निर्मित हुई और संसार की मोह माया को क्षण मात्र में परित्याग करके इस जगत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण जगत का भ्रमण किया। भक्ति के सिद्धांतों को, ऐसी अपेल श्रुतियों को हम लोगों के जीवन में प्रागट कराया, जिस वैष्णवी परंपरा को हम आज अपने जीवन में अपने जीवन के उद्धार के रूप में स्वीकार कर बैठे हुए। आप लोग प्रायः लोग बैठे सब उसी परंपरा से समाश्रित हैं, तो जब उस परंपरा में हो तो उस परंपरा का थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। रामानुज परंपरा में जब आए हो तो रामानुज परंपरा का ज्ञान भी होना चाहिए, प्रपन्नामृत ज्ञान होगा। ऐसे स्वामी रामानुजाचार्य ने अपने जीवन की उस दिनचर्या को, अपने जीवन की गति को भक्ति के रूप में परिवर्तित करके हम लोगों के जीवन के लिए ये वैष्णव सिद्धांत प्रदान किया। भगवान की भक्ति का, भगवान की प्राप्ति का एक ऐसा सरल सिद्धांत दिया है, उसको भी जानने की कोशिश की, तब तो संभव है मोह माया दूर हो जाए। कलयुग है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, कह रहे हैं महाराज इनसे छूटने का उपाय बता दीजिए। मुख्य बात कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधन तद्वराधना, और तो सब ठीक है लेकिन मुख्य हमारा प्रश्न ये है कि इस कलिकाल में भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है। ये पहले भगवान कैसे मिले ये जानने की कोई अपेक्षा नहीं है। सतयुग में भगवान कैसे मिले, द्वापर में किसको भगवान कैसे मिले, या त्रेता में कैसे मिले, इस बात से हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारा सुन लेंगे लेकिन हम मुख्य रूप से जानना चाहते हैं इस कलयुग में, आज के परिवेश में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का उपाय क्या है। प्रीति सौनक चित्ते दे अवच विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम का, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तुम्हारे मन का प्रेम भाव सुन करके मैं प्रसन्न हूं, कथा जरूर सुनाऊंगा तुम। लेकिन ये जो कथा है संसार भयनाशनम, ये संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का सारभूत है कथा, भय को दूर करने वाली कथा। भगवान के शरण में आके भय रहे कहां, यहां बैठ जाओ निर्भय होकर के तो व्यक्ति यहां बैठता है। यहां बैठने के बाद कोई भय नहीं, यहां से निकलोगे फिर भले संसार के भसता है लेकिन जब यहां बैठे कोई भय नहीं था, यहां निर्भयता है क्योंकि यहां आपको विश्वास है कि प्रभु की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। भय किस बात का, जहां स्वयं भगवान का हाथ हमारे सिर पर हो वहां भला भय किस बात का जीवन में। प्रभु ने तो संकल्प लिया हुआ है कि सकृदे प्रपन्नाय तवा स्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो तदामे तद् व्रतम्। भगवान कहते मैंने ये व्रत लिया हुआ है कि एक बार प्रपन्न होकर मेरी शरण में आ जाओ, प्रपन्न माने सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, भय नहीं होगा, कुछ किसी प्रकार का भय नहीं, बस आप छोड़ के ही तो आए हो। अपना घर छोड़ दिया, घर का सारा मोह छोड़ दिया, घर में जितना सोना चांदी रखा है अलमारी में सब छोड़ के तो आए हुए हैं, फिर भी निश्चित होके बैठे कोई चिंता नहीं। आठ दिन तक अपना सोना चांदी की सोचना ना धन संपत्ति की ना तिजोरी की कुछ नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ हम निर्भय होकर के भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। जानते हैं जब भगवान की शरण में है तो रक्षा करने का व्रत लिया है प्रभु ने, भगवान का व्रत झूठा नहीं हो सकता।
अभिम सर्वभूते भ्यो अभिदान देता हूं मैं, मेरी शरण में रहने के बाद कोई भय नहीं होता। बस उस परमात्मा के प्रति विश्वास लेकर के हम यहाँ पर आए। तो और वैसे भी कथा सुनने के लिए दो बातें तो बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ही कह दिया कि कथा सुनोगे कब, इस कथा का भाव मिलेगा कब, कथा का आनंद मिलेगा कब, जब भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। पहले उन्होंने कह दिया याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा विश्वासाभ्याम बिना न पश्यन्ति। चाहे कितना भी कोई सिद्ध ज्ञानी मुनि योगी परमात्मा हो, कितना भी सिद्ध योगी क्यों ना हो, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास इन दो वस्तुओं की कमी है तो फिर आप उस परम आनंद का दर्शन नहीं कर सकते। और हम तो यहाँ विश्वास के नीचे बैठे हुए हैं। ये जो अक्षयवट है ना, जहाँ नीचे अक्षयवट को विश्वास का प्रतीक कहा जाता है। हमारे यहाँ विश्वास चार नाम है, विश्वास के चार, विश्वास चार नामों जाना जाता है। पहला भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है, भगवान शंकर श्रद्धा स्वरूप शंकर जी, और विश्वास अजन्म होता है, शिव जन्म नहीं होता, प्रकट है। विश्वास का दूसरा प्रतीक है छोटा सा बालक, 5 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा विश्वास कि नारद ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केवल इस मंत्र को जपना, न कोई वेद पढ़ना, न कोई पुराण पढ़ना, न माला जपना, केवल एक मंत्र जपना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इतने श्वास से उसने ये मंत्र जाप किया कि 5 महीने में भगवान आ उसको दर्शन। इसलिए ध्रुव विश्वास, विश्वास का तीसरा प्रतीक है। आप कथा सुनी होगी रामायण में अंगद, अंगद ने पैर मार दिया था रावण की सभा में, जमा कैसी था उसमें कोई बल था नहीं, लेकिन उसको राम के चरणों में इतना बड़ा विश्वास था कि उस विश्वास पर उसने रावण की सभा में पैर जमा दिया और कह दिया पैर हिला कर रख दो, सीता को हार कर चला जाओ। अंगद को कोई अधिकार नहीं था कि सीता को हार, सीता उसकी पत्नी नहीं, राम की पत्नी, ये तो सेवक है। उस सेवक को अपने स्वामी को दांव में लगाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन अधिकार होता है कब, जब विश्वास हो जाए तब। जब ये था अपनी प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के पहले वर्मा जी का फोन बहुत आता था, बोले महाराज जी बड़े गुरु जी को भी लेके आइए। हमने कहा बड़े गुरु जी का भी तो हम कुछ निश्चित नहीं कर सकते, उनके स्वास्थ्य के ऊपर है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है कि गुरु जी जरूर आएंगे। उनका विश्वास था, गुरु जी आए, हम लोगों को दर्शन दे रहे। अंगद में ये विश्वास था, अंगद का पैर वो विश्वास का प्रतीक है। और चौथा विश्वास है यही अक्षय वट, वट विश्वास अचल निज धर्म मानस में का तुलसीदास, वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। तो हम विश्वास की छाया में बैठे हुए हैं, विश्वास के नीचे बैठे हुए हैं। आवश्यकता है श्रद्धा की, विश्वास तो हमारे ऊपर है, पूरा विश्वास की छाया है। बस यदि जीवन में श्रद्धा का प्रागट हो जाए, श्रद्धा का जन्म हो जाए, विश्वास का जन्म नहीं होता, विश्वास प्रकट होता है, श्रद्धा का जन्म होना है, श्रद्धा को पैदा करना पड़ता है। श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा ने जन्म लिया दक्ष के घर में सती के रूप में, श्रद्धा ने जन्म लिया हिमालय के घर में पार्वती के रूप में। श्रद्धा को जन्म लेना पड़ता, श्रद्धा को जन्म देना पड़ता है, विश्वास अपने आप आ जाएगा। कपिल देव जी महाराज से पूछी महाराज कैसे श्रद्धा का जन्म होता है, भक्ति मार्ग में उन्होंने कहा सीधा सीधा मार्ग है, सतान प्रसंगा मम वीय संविदो, सतान प्रसंगा वीर्य संविदो, अवंति हरि
कृष्णाता शुभ वर्ग वर्त्मनी शुभ वर्ग वर्त्मनी श्रद्धारतिर् कैसे पैदा होती? बोले सतान प्रसंगान, सतपुरुषों की संगत में बैठने से श्रद्धा का जन्म होता है, कथा सुनने से श्रद्धा का जन्म होता है। बिना कथा सुने श्रद्धा नहीं जन्म ले सकती कभी। श्रद्धा कथा सुनने से जन्म लेगी। श्रद्धा का जन्म हो जाए, विश्वास की छाया जीवन में आ जाए तो कठिन नहीं है। उस अंतःकरण के आनंद को हम अपने जीवन में इसी शुकतीर्थ में बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत सहज है, बाकी जगह आप जाओगे विश्वास की छाया नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ तो विश्वास की छाया है। भगवान शंकर ने कथा सुनाई वटवृक्ष के नीचे बैठ करके, मानस में आप सुनेंगे, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने परीक्षित को वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनाई। याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के बीच का प्रसंग जो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ वो भी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके हुआ। विश्वास के नीचे बैठ करके श्रद्धा से कथा का आनंद लें तभी कृष्ण स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण प्राप्ति का साधन यही है, श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा लेकर के आइए, विश्वास की छाया में बैठिए, भगवान कृष्ण का आनंद जीवन में मिलेगा। कहा महाराज, आपने जो पूछा कथा में आपको सुनाऊंगा। कथा की विशेषता तो यही है कि सारे सिद्धांतों का निचोड़ है, आपके भय को दूर करने वाली कथा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आपने जो प्रश्न किया है कि कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इस कथा के द्वारा मैं इतनी गारंटी तो ले सकता हूं कि भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य की बात तो मैं नहीं कहूंगा, ज्ञान मिलेगा वैराग आएगा जीवन में कि नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस कथा को सुनकर के भक्ति जरूर आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। कथा में कैसा भी व्यक्ति आकर के बैठे उसको जीवन में भक्ति जरूर मिलती है। ज्ञान और वैराग वो आपकी योग्यता आपकी धारणा पर निर्भर करता है। गुरुदेव भगवान की जय हो, गोविंद जय जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय प्रदान करने वाली कथा है। भक्ति का ग्रंथ है कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान कृष्ण भी इस कथा को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता का ग्रंथ है।
ज्ञान और वैराग्य, ये तो हमारे जीवन के धारणाओं पर निर्भर करता। अभी आपको बताया, यदि इस कथा के माध्यम से आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करने का पहली शर्त है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो ज्ञान भी मिलेगा, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैराग्य की बात भी नहीं कहते क्योंकि बहुत कठिन होता है वैराग्य। अबे तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि 7 दिन यहां से कथा सुनने के बाद आप सारे के सारे लोग बद्रीनाथ चले जाओगे, ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी इतना बड़ा वैराग्य मिलना बहुत कठिन है। अभी यहां से लौट के अपने घर ही जाओगे, सब जाना उसी मोह माया के चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान ना मिले कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, यहां से भक्ति जरूर लेके जाइए। अपने इस पांच भौतिक शरीर की इंद्रियों के छिद्रों को भक्ति के रस से भर करके जाइए, आनंद होगा। बस नेत्र भर जाएं भक्ति से, नई दृष्टि हो जाए जीवन को देखने की, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाए, जीवन देखने की दृष्टि बदल जाए, संसार को देखने की दृष्टि बदल जाए, उदार हो जाए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, दृष्टि हो जाए कि सारा जगत ही हमारा परिवार है, ऐसा रस भर जाए, कानों में भक्ति का रस समा जाए कि कुछ और सुनना अच्छा ना लगे। हमारी जिह्वा, ये रसनेन्द्रिय इस भक्ति के रस से डूब जाए, इसमें भक्ति का रस आ जाए। अब बोलने का मौका मिले तो केवल इस रसना से भगवान के ही गुणगान निकलें और कुछ न निकले। ये नासिका भक्ति के रस से इतनी भर जाए कि अद्भुत सुगंध जो हमारे जीवन को महका दे, ऐसा भक्ति का सुगंध इस घ्राणेन्द्रिय में भर जाए, बस फिर तो सब ठीक ही है। इन्हीं इंद्रियों में भरना भक्ति रस को, आंखों में भर जाए, कानों में, जिह्वा में, नासिका में भर जाए भक्ति का रस, फिर जीवन देखिए आनंद से भरा हुआ। ज्ञान वैराग्य की कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रहेगी, इस भक्ति के आनंद को हम ग्रहण करके यहां से जाएं, वो मिलेगी। तदहम ते विधास्यामि सावधानतयाशुन, ऐसी कथा है महाराज, उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा, बस सावधानी पूर्वक सुनना क्योंकि ये अवसर जीवन में बहुत कम आता है, बहुत कठिन आता है, बहुत मुश्किल से आता है। दुर्लभैव कथा लोके, इस संसार में और सब सुलभ है, व्यास जी सीधे सीधे कह रहे हैं कथा ही इस संसार में दुर्लभ है, सब कुछ मिल जाएगा, धन संपत्ति सब मिलेगा, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, बस यही चीजें दुर्लभ है, बहुत कठिन है, यहां तक पहुंचना ही बड़ा कठिन है, इस कथा के प्रांगण तक पहुंचना ही बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल से। न जाने कितने जीवन के पूर्ण किए होंगे तो हम इस भागवत प्रांगण तक पहुंचे होंगे। मानस में कहा यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है संसार में। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर हो। Oh,
ऐसा गंगा का तट है कि यहाँ तक पहुंचना बहुत कठिन काम है, बिना भगवान की कृपा के यहाँ नहीं आया जा सकता। आप सब उसी कृपा के भाजन हो, प्रभु ने कृपा की तो आप यहाँ तक पहुंचे। बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हुए, कहा करते थे कि आपको कोई लाख बार भी भागवत कथा का निमंत्रण कार्ड दे दे, आप निमंत्रण कार्ड से नहीं आते।